this is Mujib Khazi, and you're watching washington roundtable on vok tv. i'm joined by a very special guest today with me from azad state of jammu and kashmir who is an ex-minister who has served in the as a member of legislative assembly as a minister and has been in the civil work uh, most of his life. and it's a very intriguing story that we want to bring it to you.

लोकल इलेक्शन कंटेस्ट में और पीटीआई ने बड़े भरपूर तरीके से विक्ट्री ली है आप सबसे पहले तो इसके बारे में अपना व्यूज़ दें फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता बिसमी शुक्रिया वी के टी का का आपने बात करने का मौका दिया तो ये जो आपने आपका शुक्रिया और उसके बाद ये कि आपने पूछा कि ये जो इलेक्शन के हवाले से जो बत्तीस साल के बाद यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुए आ, असल में जब ये सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर ये जो बलदयाती इदारे हैं वो कायम हैं हर मुल्क के अंदर और इसका एक अपना फ़ंक्शन होता है लोकल लेवल पर लेकिन बदकस्मती से यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि यह सिलसिला रुक गया और यह अदारे मफलूज होकर रह गए तो उसके बाद अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़रूरत तो इसकी हर वक्त महसूस की, जा, की जाती रही लेकिन चूँकि नहीं करा सका कोई ऐसा ये को बड़ा एक बड़ा इकदाम था मैं समझता हूँ तो नहीं कर सके और अलहमदिल्ला पाकिस्तान तरीकानसाफ़ को यह एजाज़ असल है कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जब इंसाफ की हुकूमत कैम कहुं हुई दो हज़ार इक्कीस में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया कि हम इन साल के अंदर यहाँ पर बलद्यातीशन करवाएँगे तो बाद में थोड़े क्राइसिस भी रहे फिर सुप्रीम कोर्ट का उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी इसके ऊपर जो है तो वो एक अच्छा डिसीजन लिया और हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद भी किया और फिर तमीर अलह साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उसके ऊपर भरपूर उस पर ऊपर कावश कोशिश की और स्टैंड लिया हालांकि कुछ लोग कुछ ताकतें ऐसी मौजूद थी जो ये चाह रही थी कि इलेक्शन यहाँ पर बलद्यातीक्शन को रुकवाना चाह रहे थे माजी की तरह लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस इकदाम को फिर उनका अमली जाम पहनाएंगे इनशाला और ये बलद्यातीक्शन यहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुए हैं यहाँ पर और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये साबित हुआ कि यहाँ पर इमरान ख़ान साहब का नज़रिया यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर उसी ताकत के साथ मौजूद है और यहाँ पर लोगों ने उस नज़रिए को वोट दिए हैं और आज, आज आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल की है इंसाफ ने ये तो बड़ी खुशबी है कि लोगों ने अपनी ओपिनियन को वॉइस किया और इलेक्शन हो गए अब इलेक्शन जीतने के बाद ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका ये जो, जो आपकी अपनी कंस्टिटेंसी है लछराट आपका जो यू बनती है ये बताइए कि इसके अंदर तकरीबन कितनी यूनियन काउंसिल है आपकी जो जो हलका है आपका जी हमारे हल्के के अंदर दस यूनियन काउंसिल है अच्छा तो यहाँ पे हमारे हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे तहरीक तहरीकानसाफ़ के मज़बूत कैंडिडेट मौजूद थे और अल्लाह का शुक्र है कि दस में से छः यूनियन काउंसिल में हमने वाजिया बरतरी का शुक्र हासिल की है और अच्छी लीड के साथ हमारे कैंडिडेट जीते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँगी कि अगर इन इलाकों में आपने अपने पहले दो तीन या चार कुछ इतनी टॉप प्रायोरिटी पे आपने कुछ इश्यूज रखे हुए जो आपने अपने इलाकों में डिलीवर करने तो आपको किस तरह कैटेगराइज करेंगे सबसे पहले तो यहाँ मैं समझता हूँ कि दछराट के अंदर ये एक पहाड़ी इलाका है सारा देहात के ऊपर मुश्तमिल है और यहाँ जो बुनियादी तौर पर तो तालीम के वाले से जो एजुकेशन के वाले से जो है तो वो बड़ी कमी है यहाँ पे तो कोई इतनी जो कॉलेज जो हमारे हल्के में मौजूद नहीं है मैट्रिक से ऊपर फिर मसाइल हो जाते हैं मुश्किल मुश्किल होती हैं बाज़ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पे अभी तक भी हाई स्कूल की सहूलत भी मौजूद नहीं है और बिलखसूस जो बच्चियाँ हैं गर्ल्ज गर्ल्ज हाई स्कूल के हवाले से मुश्किल का सामना हमें और इसी तरह से जो अगर मैट्रिक से ऊपर हो गए फिर वो बहुत बहुत कमी है कि वहाँ पे लोकल तौर पे लोगों लोकल ये सहूलत मैसर नहीं है कॉलेज नहीं है हमारे पास मौजूद और पिछले पाँच साल के दौरान जब अल्लाह ने हमें मौका दिया था तो हमने कोशिश की थी और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल अपने इस अलका में दिए थे जिसकी वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक उसमें इस इन मुश्किल में कमी है लेकिन अभी भी चूँकि अभी भी इसकी ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस है एक तो एजुकेशन के से डेवलपमेंट जरूरी है दूसरा चीज चूँकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ जो रसल रसायल या मुशरत के वाले से हमें बड़ी मुश्किल का सामना है और सड़कों की सहूलतें मसर नहीं है उस तरीके से तो वो एक बड़ी कमी है उसको दूर करना और उसके साथ जो सेहत के वाले से आप यहाँ पर देखें तो हमारे इस हलका अलक, में पूरे आजाद कश्मीर में ऐसी सूरत है लेकिन मैं अपने हल्के के हवाले से अगर बात करूँ तो हमें इस वाले से भी बड़ी कमी कमी है कि यहाँ पे वो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो सकी तो हमने कोशिश की है पिछले अरसे में भी अभी हम मैं कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल तौर पे हम जो हमारी लोकल एफ है उनको हम अपग्रेड करके तो अपग्रेड करें और उनको बी का दर्जा दें और बी को आर एस सी करें उसके लिए हमने कोशिश की है अरसे में इन जल्दी उसमें डेवलपमेंट होगी लेकिन वो उसके वाले से भी बड़ी कमी मौजूद है उसको दूर करना ज़रूरी है ये मैं सब तो ज़्यादा प्रायरिटी पे है जी तो आपने एजुकेशन फिर नेक्स्ट वन कम्यूट लोगों तक एक्सेस हो में। और थर्ड आपने हेल्थ के बारे में बताया एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा ज़्यादातर इंटरेक्शन रहता है ज़ाहिर इमरान खान ट्रैवल नहीं कर सकते लेकिन हमारा ज़्यादातर मीटिंग्स होती हैं असद उमर के साथ और उन्होंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को एडमिट किया है हमारे सामने के हम लोगों ने जब लास्ट टाइम जब कैंडिडेट्स एलेक्ट किए थे उनको हमने टिकटिंग में हमने जो सबसे बड़ा आ, जो एक फ्ला रह गया था वो ये था कि हमने उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं कर सका आ, कि मेरिट पे नहीं देंगे तो इस चीज़ को आप क्या समझते हैं इस इलेक्शन के दौरान यहाँ की जो पीटीआई की गवर्नमेंट उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपने कैंडिडेट्स को मेरिट्स पे किया है और आगे जो आपकी अपॉइंटमेंट और दी है क्या वो भी मेरिट्स को मलूज़ खाता रखा जाएगा देखिए ये उनका तफजात अपनी जगह पर जरूर हुए होंगे जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में लेकिन यहाँ पर जो अभी बल्दियातीक्शन हुए हैं हु इसमें हमने बड़ी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराई में और उनकी हदायद के मुताबिक हमने कोशिश की है कि अपने हलका के हर जो उम्मीदवार जो हमारे ज़मादारान हैं हल्कों के एम एल ए हैं या वहाँ पर हमारे टिकट होल्डर हैं तो हम सब ने यह कोशिश की है कि अच्छे कैंडिडेट आगे लाए जाएँ जिनकी अपनी भी एक शख्सियत हो उनकी साख हो और उसके साथ फिर पार्टी की भी उनके साथ पार्टी के साथ भी उनकी एफिलेशन मौजूद हो तो आप उसका अमली तौर पर आप उसका रिज़ल्ट भी देख लें कि पूरे ज़ात कश्मीर के अंदर हमारे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमारे उम्मीदवार थे वो वाजरीत के साथ अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए और उसके ऊपर थोड़ी बहुत तफ़ा तो हर जगह पर मौजूद रहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि नाइन्टी एट परसेंट जो है तो अच्छी हमने जो है तो टिकटों के वाले से अच्छा प्राग्रेस दी थी आ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मेरा भी ताल्ला इसी लछराट रीजन से है और मैंने विज़िट किया है जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जब आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स आई विजट द रीजन तो मैंने देखा कि रोड जो थे वो यू नो रेडीली अवेलेबल थे ऐसी फार फेच्ड जगहों पे जहाँ पे हम पहले नहीं देखा था तो ये क्रेडिट तो आपको जाता है जब आप मिनिस्टर थे आपने ये रोड एक्सेस दिए और हम पोटी श्योर कि आप एजुकेशन और हेल्थ पे भी काम करेंगे मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आगे जो लछराट के बारे में आपकी जो लछराट तो बहुत बड़ा रीजन है ना जी आप जिम कोटली से शुरू होता है और आल द वे थ्रू नीलम वैली तक जाता है तकरीबन जी और फिर इसमें आपकी दस यूनियन काउंसिल बहुत बड़ा एरिया है उसमें रिसोर्स की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पर अक्सर ख़बरों में हम सुनते हैं कि हमारे पास बजट नहीं होता तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए आपके यहाँ कोई ऐसा प्लान है कि बैकअप रिसोर्स कहाँ से लाएंगे आप अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखसूस ये जो हमारा डिवीजन है जफफ़राबाद और पूरा ज़ा कश्मीर भी देख रहे हैं और बिलखसूस मैं इसके लिए बात करता हूँ कि खूबसूरत तीन इलाका है यहाँ पर और सबसे अगर हम इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर हम कोशिश कर सकते हैं तो वो टूरिज़म के वाले से हम कर सकते हैं कि वो लोगों को अगर आपने नौजवानों को आ, उनको रोज़गार का मौका मौक़ फ्राहम करने और तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे जो मसर हमारे पास चीज़ है वो यही है कि हम अपने इन ये दो ये जो आपके सामने आपको पहाड़ नज़र आते हैं इनके ऊपर बहुत खूबसूरत जगह मौजूद हैं और ईजी अप्रोच में आप अब नीलम वैली भी इसी का इस डिवीजन का हिस्सा है लेकिन मैं समझता हूँ कि नीलम वैली में पिछले में जितनी भी हमने डेवलपमेंट की उसका हमें यह होता है कि एक पार से चूँकि बार्डर के बिल्कुल करीब है तो पार से एक फायर होता है तो हमारी भी वो सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर ये जो ये पूरा डिवीजन है इसमें और बिलखसूस से अलका लछराट में अगर मैं बात करूँ या मश्रबा के इस मजफात में अगर हम इसके वाले से करें टूरिज़म के वाले से डेवलपमेंट करें तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है, रहती है आप देख लेना ना पाकिस्तान में आप मुखलिफ़ों में आप देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और कोई सोर्स भी नहीं है टूरिज़म के वाले से लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में इसका बल्कि ट्रेंड मौजूद है और आज़ाद कश्मीर में भी सिर्फ हमें ये कर है कि ईजी अप्रोच देनी है लोगों को उस जगह तक पहुँचने के लिए मकसद मैं आपको मसाल देता तो हूँ पीर चनासी में सड़क अभी आ, आप शायद आपने विज़ट किया कि नहीं पिछले दौर में जब मियाँ साहब यहाँ पर तशीफ लाए थे मियाँ मोहम्मद आशिफ साहब वज्राजम थे पाकिस्तान के तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी मुतालबा किया था कि यह वो पीर चनासी में उतरे थे उन्हें एली उनका तो हमने कहा यह खूबसूरत तरीन जगह है और यहाँ शहर से इतने नज़दीक है यहाँ पे सड़क की अच्छी सड़क की सहूलत मौजूद नहीं है तो उन्होंने कश्मीर कौंसिल से हमें वो सड़क उसी वक्त अप्रूव की थी और फिर फिर एक अरब से जायद की लागत से ये सड़क बनी है तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सड़क आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में मेन रोड्स मौजूद हैं मोटरवे वे है उस शक्ली की कॉपेट सड़, सड़क बनी है जिससे अब आप देखते हैं कि हर सीज़न में वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद होता है और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होता है अब उसी से उसी के साथ आगे एक और हमारी बड़ी वैली मौजूद है पीर असीमार तक पीरचनासी से पीर सी मार तक जिस पर मैंने जब मियाँ साहब यहाँ पर तशीव लाए थे फिर तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था सड़क के वाले से तो फिर मैंने ये गुजारिश की थी कि आप मेहरबानी फरमाए इस अपने अली को थोड़ा सा पाँच मिनट के लिए पीरचिरासी से उस तरफ आगे ले जाए तो आप देखेंगे वहाँ पर कितने खूबसूरत इलाके मौजूद हैं तो उन्होंने फिर उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी हुई थी तो उन्होंने उसको भी अप्रूव किया था तो अब फिर वो बदकस्मती से नहीं हो सका उसके ऊपर अमल दरामद चूँकि हुकूमत मामला हो गया फिर जहाँ पर अभी हमने जब हम तहरीक़ में जहाँ पर इमरान खान साहब हमारे जो लीडर भी हैं तशीफ लाए थे तो उन्होंने यहाँ पर जब हमारी हुकूमत यहाँ पर बनी थी तो उन्होंने पाँच सौ अरब रुपये के पैकेज का ऐलान किया था यहाँ पे यहाँ पर पाँच साल के लिए तो उसमें हमने बिलखसूस जो है तो वो टूरिज़म के वाले से पूरी हुकूमत की हमारी यही ख्वाहिश थी कि पूरे ज़्यादा कश्मीर के अंदर हम टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर रखें तो उसमें मेन जो ज़ात कश्मीर में में अगर कोई मैन uh, सड़क थी जिसके ऊपर सबका इतफ़ाक़ था और uh, मैं समझता वो यही थी पीसीमार पीर, और उसको फिर हम आगे लेके जा रहे थे वो जाके आप रेशिया शायद कभी गए हो आप वह दाऊखान वहाँ पर जाके मिलती है तो वो एक वो भी एक टूरिज्म तो के वाले से अच्छा पॉइंट है वहाँ पर अब लोग जाते भी हैं तो ये एक अच्छा हमारा बन रहा बन रहा है इसके ऊपर अभी चूँकि वो तो फिर नहीं हो सका पाकिस्तान में तहरीकी इंसाफ़ की हुकूमत ख़त्म हो गई तो अभी हमारी ये कोशिश है कि हम अपने सोर्स से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब ये चंद दिन पहले भी ऐलान किया है इसका कि मैं इसको खुद विजिट भी करूँगा और इन शाला वहाँ पर हम सड़क बनाएंगे ठीक तो, तो, तो आप चाह रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट के हट के जो लोकल सेक्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करें और टूरिज़म को प्रमोट करें आखिरी क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जो दूसरी साइड वाला कश्मीर है मकबूजा कश्मीर वाला वो लोग हमें समझते हैं एक ज़माने में समझते थे आई आई डों नो कि आप समझते हैं कि नहीं कि ये आज़ाद कश्मीरी ही जो, जो है ये उनका एक बेस कैंप हुआ करता था किसी ज़माने और हमारे पॉलिटिशन ने इसको यूज़ भी किया बड़ी अरसा तक अब अगस्त फिफ्थ टू थाउजेंड के बाद ये एक स्टेंट स्टेल सिचुएशन होकर रह गई है कि आप उधर ठीक हैं हम सार्ट ऑफ नॉट इन स्पेल आउट नहीं किया हमने बट सार्ट ऑफ ये लग रहा है आन ग्राउंड कि भाई आप उधर ठीक हैं हमें इधर ठीक हैं उन लोगों की अभी भी हमसे कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं आई नो कि आपका तो एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आप एक प्ले रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन मैं आपका व्यू लेना चाहता हूं कि आप हो सकता है कल के दिन हमारे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं तो आप उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे या आपकी क्या एस्परेशन है उन लोगों के एंड मैसेज क्या होगा द लास्ट क्वेश्चन जी मैं मेरी गुजारिश में यह देखिये ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का ये बेस कैंप है मुजफ्राबाद और हम सब के जो जितनी भी पार्टियाँ आजाद कश्मीर के अंदर काम कर रही है सब सबका मेन जो कोई भी हुकूमत बनती है किसी पार्टी की भी तो उनका फोकस यही होता है कि तरीक़े आज़ादी कश्मीर को फ़रो दें ये जो आप दो हज़ार उन्नीस की बात कर रहे हैं जिसके आप कहते हैं कि वो रुक या सिलसिला या लोगों की एक, एक राय है कि इधर हम उधर तम ये ऐसी बात नहीं है ये सिर्फ़ एक प्रोपेगंडा है जो हिंदुस्तान जो है तो वो बड़ी चलाकी से शायरी के साथ वो पूरी दुनिया में फैला रहा है और यहाँ पे भी उसने ऐसा ट्रेंड फैलाने की कोशिश की हालक ऐसी बात नहीं है अब आज भी ये मसाले मौजूद हैं आज भी आप रोज़ाना आप आ, सोशल मीडिया पे आ, आप सुनते हैं और आ, मीडिया पे भी आता है कि वहाँ पर जो भी शख्स जो भी मुजाह आज भी हमारा शहीद हो रहा है वो पाकिस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करता है तो वो पाकिस्तान के साथ जो वबस्तगी एक है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है जितना मर्जी अब इंडिया ने पिछले अरसे में क्या कुछ नहीं किया इस इस तरीक को ख़त्म करने के लिए उसने हर एक लालच भी वहाँ के कश्मीरीों को दी उसने कहा जी आपको रोज़गार के लिए हम जो है तो फंड फराम करेंगे यहाँ आपको मकान बना के देंगे फलाह सहूलतें देंगे फिर उसने एक नया कानून पास किया जिसके ज़रिए उसने बाहर से लोगों का यहाँ पे ला के आज़ाद मकबूला कश्मीर में वो आबाद कर रहा है ताकि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी को कम करके दूसरी आबादी को ज़्यादा करे तो ये भी उसके अरबे सारे अल्लाह के फजल से नाकाम हो रहे हैं और जो इस इस तरफ़ या उस पार जितने भी कश्मीरी हैं वो उनकी एक ही मंजिल है कि वो कश्मीर की आजादी उसके लिए वो हर एक शख्स यहाँ पे भी और वहाँ पे भी हर वक्त तैयार है और आज भी वहाँ पे ये आप देखते हैं कि वहाँ पे लोग आराम से नहीं बैठे हुए ये जो इंडिया जो जो कुछ करता है वो करता रहे लेकिन लोग उस तरीके साथ वापसता है रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं जितनी मर्जी वो कर्फ्यू लगाता है बंद करता है नजर बंद करता है लीडर्स को नजर बंद किया उसने सारा कुछ किया लेकिन लोग निकलते हैं सड़कों के ऊपर और जितनी तादाद में वहाँ पर बगैर किसी उसके लोग निकल आते हैं ये तारीख में किसी जगह पर नहीं है पूरी दुनिया में नहीं है तो ये तारीख अल्लाह के फजल से उस किसी प्रॉपर के जरिए खत्म नहीं हो सकती है इन शाह तल वो ये कश्मीर जो है तो ये आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इन शहु शुक्रिया जजाक खैर देट साल वी हैव फ्राम आवर स्टडी टूडे This was Achodi Shahzad Saab joining us from the capital city of Azad, Jammu and Kashmir, giving us the overview of the recent election and giving us the preview of his projects that he is going to undertake in next three to five years that he would be in charge of his region, his government. Uh, until next time, take good care of yourself. Asalaamu As Alaikum wa rahmatullahi wa barakat.